नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। पटना और दिल्ली दोनों जगहों पर मनाई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, लेकिन बिहार की राजनीति से जो खबर निकल कर आ रही है वो तेज प्रताप को लेकर है। राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में एक बैठक चल रही है विधायक दल की, जहां राजद के सभी विधायक पहुंचे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव नदारद हैं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के इस बैठक को छोड़कर और वो पहुंच गए हैं रामविलास पासवान की वर्सी में शामिल होने के लिए पशुपति पारस के साथ। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, ये लोजपा कार्यालय की तस्वीर है जहां तेज प्रताप यादव पहुंच गए हैं। सीधे तौर पे अगर समझा जाए तो पिछले दिनों तेज प्रताप यादव के साथ जो विवाद रहा है उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। पुराना संबंध रहा है, शुरू से ही संबंध रहा, पिताजी से संबंध रहा, सब साथ साथ में ही लोगों के दुख दर्द में शुरू से ही सम्मिलित हुए और आज हम लोगों के दिल में पूरे तरीके से वास करते हैं, दलितों के दिल में वास करते हैं, काम करते हैं और उनके पुण्यतिथि पे जहाँ पे आप उपस्थित हैं और यहाँ आकर के हमको आराम का जैसा महसूस होता है, सब लोग हम कहना चाह रहे हैं। तो आपने देखा तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से रामविलास पासवान को याद किया है और वहां पहुंचे हैं पशुपति पारस के पास। पशुपति पारस से उनकी मुलाकात भी हुई है। लगातार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं, उनके बगल में मुस्कान जो पशुपति पारस के बेटे हैं, दूसरी तरफ पशुपति पारस हैं, यानी पूरा जो रामविलास पासवान का परिवार है वो वहाँ मौजूद है और चिराग पासवान वहाँ मौजूद नहीं है। अभी तक की जो ताज़ा रिपोर्ट आ रही है, जो ताज़ा खबर आ रही है उसमें वो मौजूद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव वहाँ पहुँचे हैं विधायक दल की बैठक को छोड़कर। तेजस्वी यादव ने जो बैठक बुलाई है उस बैठक में पता बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव नदारद है। देखने वाली बात यह हो कि तेज प्रताप यादव ने अब खुले तौर पे जंग का ऐलान कर दिया है। राजद से अलग होकर उन्होंने संगठन बनाया, कई तरह के कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी राजद के तरफ से इस बात को लेकर क्लियर नहीं किया गया है कि तेज प्रताप यादव उनके साथ हैं या नहीं। हालांकि शिवानंद तिवारी ने बयान दिया था, उस बयान के बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी, ये खबर भी मीडिया में चली। देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव आज जो बैठक कर रहे हैं उस बैठक का नतीजा क्या निकल कर सामने आता है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।